नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंडी भरत ब्लॉग्स में। मैं भरत बिष्ट, देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों आज जो है हम यात्रा करने जा रहे हैं, यहाँ से शिवनी मल्ली, एक गाँव है हमारे गैरसैंण ब्लॉक में, वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जो है एक पूजा है। पूजा भी बोल सकते हैं आप, एक यात्रा टाइप की भी है जो है। बुग्याल है एक ब्यासी, ब्यासी बुग्याल ब्यासी जगह है एक, वहाँ पूजा जानी है शिवनी मल्ली से। तो हमको जो है वहाँ से निमंत्रण आया हुआ है पूजा में, तो बस आज जो है गाँव से हम निकल रहे हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको यहाँ से शिवनी मल्ली तक का जो रास्ता है हमारा वो दिखाऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ से हम शिवनी मल्ली तक पहुँचते हैं। शिवनी मल्ली में भी जो है हमारी तरह गांव की तरह ऊंचाई है पूरा, वहाँ सेम जितना हमारे यहाँ चढ़ाई है उतनी चढ़ाई वहाँ भी है। लेकिन ये है कि वहाँ जो है अब रोड कटने लगी है। यहाँ से पहले मालकोट जाओ चार से पाँच किलोमीटर, फिर रोड से रोड से महलचोरी होते हुए आगरचट्टी उतरना है जहाँ हमारी गाड़ी रुकेगी, उसके बाद फिर से वहाँ से ऊपर चढ़ाई है शिवनी मल्ली की। तो बस आज के ब्लॉग में मैं आपको जो है शिवनी मल्ली दिखाऊंगा, शिवनी मल्ली तक का सफ़र दिखाऊंगा कि जो है कि यहाँ से जो है शिवनी मल्ली तक का सफ़र कैसे होता है। उसके बाद जो है अगले जो 3-4 ब्लॉग होंगे उसमें आपको जो है भागों में दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे जो है ये पूजा रहती है, कितनी शानदार ये पूजा होती है और कैसा वो बुग्याल है जहाँ हम ब्यासी जाएंगे पूजा में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र ख़त्म हो चुका है, अब हम रोड के साइड में आ चुके हैं। ये हमारी रामगंगा है जैसे कि आप जानते ही होंगे, उफान पे है और ये हमारे पसीने से जो है बुरे हाल है। पता नहीं रोड कब आएगी गांव में, बड़े आस लिए बैठे हैं हम। अब आपको जो है रोड की स्थिति दिखाएंगे, जो यहाँ से महलचोरी या गैरसैंण तक की जो रोड की स्थिति है, कितनी मक्खन रोड है हमारे यहाँ खनसर घाटी में, उसके आपको दीदार कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। मालकोट से हम चल पड़े हैं, अब सबसे पहले महलचोरी आएगा बाजार, वहाँ पर थोड़ा सामान सामून लेंगे, उसके बाद आगरचट्टी, फिर वहाँ से जो है चढ़ाई करनी है ऊपर। अब देखिए आप हमारे जो है जो रास्ता है ये मक्खन सा रास्ता, ये देखिए ये रास्ता सिर्फ जो है गणौत तक ही सीमित है, इतना मक्खन। उसके बाद तो रास्ते में जो खड्डे हैं उससे जो है टायर की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि क्या बताएं, हमारा टायर बहुत रोता है, आपको दिखाएंगे आगे। अभी तो फिलहाल रास्ता ठीक है। तो जो है जो अच्छी रोड थी, थोड़ा ढंग की रोड थी, उसका जो है ये देखिए वो जो है ख़त्म हो चुकी है और अब आपके सामने पेश है हमारी बहुत ही मक्खन जैसी रोड, जो पिछले कितने सालों से नहीं बनी होगी, तीन चार साल हो गए कि डामरीकरण हुआ ही नहीं इस रोड का। आप ये देखिए रोड की हालत, हाँ ये जो है महलचोरी और रायकोट के बीच का जो रोड है ये देखिए, हाँ ये सुविधा है रोड की, इतनी मक्खन चलती है गाड़ी की, जो टायर 2 साल चलने चाहिए हमारे गांव में वो टायर सिर्फ 3 या 4 महीनों में ही अपना दम तोड़ देते हैं। गाड़ी के टायर छिल छिल के ऐसे हो गए हैं कि तार बाहर आ गई है गाड़ी के टायरों की। अभी तो इससे बेकार स्थिति आने वाली है थोड़ी देर में। तो सामने ये देखिए खड्डे, देखिए गाड़ी के टायर से बड़े खड्डे हैं मतलब। और अब देखिए आपके सामने पेश है बहुत ही तगड़ी रोड, और ये पहला खड्डा है हमारा, ये देखिए, और ये हमारा इसके बाद आ जाता है, इस पुल को हम बोलते हैं कौन सा पुल, मोटिया का पुल, मोटिया पुल बोलते हैं अपनी भाषा में इसको। ये जो है खनसर घाटी को महलचोरी से जोड़ने का जो है पुल है ये। अब यहाँ से थोड़ी दूर बिल्कुल 2 से 3 किलोमीटर यहाँ से महलचोरी रह गया है, और ये देखिए गड्ढे कंटिन्यू, हमारा रोना आए ना आए गाड़ी का रोना बहुत निकल जाता है इस रोड के चक्कर में। ये है रोड की स्थिति, खड्डे देखिए आप, ये अब आपको सामने दिखेगा इस पहाड़ के उस साइड महलचोरी बाजार, महलचोरी इंटर कॉलेज ऊपर दिख रहा है, सामने फिर से खड्डे। स्वागत करेंगे इस खड्डे का हम बहुत ही जोरदार तालियों से। यहाँ से शुरुआत हो जाएगा आपका जो हमारा महलचोरी बाजार है। ये महलचोरी बाजार का बस मतलब क्या टैक्सी स्टैंड है, सॉरी ये देखिए ये है टैक्सी स्टैंड। और ये है महलचोरी का पुल जो वार वाले बाजार को पार वाले बाजार से जोड़ता है, इसको
जिसको हम आम भाषा में ही बोलते हैं। यार ये है हमारी महल चोरी की गलियां और रोड के फिर वही हालत, खस्ता हालत। और अब यहाँ से जो है हम थोड़ा सा सामान लेंगे, क्योंकि हम जो है गांव जा रहे हैं, तो वहाँ दो चार रिश्तेदार हैं, उनको थोड़ा सा उनके लिए सामान, जो बच्चे हैं टॉफी उनके लिए, तो उसकी जरा शॉपिंग करते हैं। और ये है हमारे पुष्कर भाई, उनकी दुकान है, बड़ी फेमस दुकान है महल चोरी की। क्यों भाई, मंडी भी है यहाँ पे, आओ मंडी ले लीजिए आप, मंडी का सारा सामान, बाकी जितने भी खाने पीने के सामान है सब जो है उचित दाम पे उपलब्ध है यहाँ पे, उचित दाम। तो ये जो है हमारे वन ऑफ द फेवरेट जो हमारे दुकानदार हैं, भाई है हमारे। बाकी यहाँ से थोड़े से हम बच्चों के लिए टॉफी टूफी ले गए, उसके बाद चलेंगे बाकी। सब्जी मंडी के नाम से फेमस जी, सब्जी मंडी, महल चोरी सब्जी मंडी इन्हीं का है, पुष्कर भाई धारगढ़ वाले। हाँ, और मंडी के बगल में जस्ट हमारे यहाँ मनीष होटल है, बहुत ही फेमस है मिठाई मुठाई लेने के लिए। अब यहाँ से मिठाई हम जो है पैक करा रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे इनकी जो है शॉप के प्रमुख दीदार कराएंगे, अभी समय की कमी है, अभी जो है भागना है हमें मल्ली छूनी। तो यहाँ से जो है शॉपिंग हो गई है हमारी, मिठाई और कॉफ़ी वगैरह बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह ले गए हम। अब यहाँ से थोड़ा भूख लगी है, जो हमारे साथ भाई आए हैं इनको पिक करना हमने यहाँ से, वो जो है लवली, लवली है ना, लवली में जो है वहाँ फास्ट फूड की दुकान है एक्चुअली, वहाँ पे जो है वो अभी सेवन कर रहे हैं, हम भी जाएंगे खाएंगे। तो लवली में जो है रोकते हैं, ये सामने हमारा लवली है, ये जैसे लगे ये सामने लवली, देखो फास्ट फूड लिखा हुआ है, दिखो रे पंचो, दिखो, ये है लवली फास्ट फूड। ये हमारे दो भाई हैं जिनको हम पिक कर रहे हैं, ये है हमारे कुल्लू भाई मल्ली छुड़ी वाले स्पेशल। तो खाना पीना हमारा हो चला है, अब जो है यहाँ से जा रहे हैं हम मलसुणी की ओर। अब दो भाई हैं हमारे जिनको पिक किया हमने, वो आ रहे हैं, एक भाई तो ये है और दूसरा भाई देखो बकरी के साथ आ रहा है। हेलो 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 हेलो, ये ले कुछ कर यार, कर ले ये हमारी बकरी, माथ नहीं, माथ नहीं यार, माथ नहीं यार, सीट सीट ना गंदी करे। तो ये है अब यहाँ से सफर जो है हम आगे का जारी करते हैं। सही खुद में ये देखिए रोड की स्थिति, वाह। ये हम अब चल दिए हैं महल चोरी से आइए आगर चट्टी की ओर, आगर चट्टी। ये जो रोड चल रही है खड्डे, वाह, चल चल रोड, वाह 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 वाह। और ये कहीं चुप रहे और ये इस प्रकार का सीट खुद है और ये जो है खड्डा फिर से, वाह। और अब हम पहुंच चुके हैं फरसों में और फरसों की रोड बिल्कुल परसों जैसी ही है, जैसे वर्षों पहले थी आज भी वही है। ये देखिए खड्डे, आराम मिलता है, आराम, गाड़ी तो खुश हो जाती है ऐसे रोड देख के ना, क्या ही बोले आप। ये फरसों की रोड बरसों पुरानी है, जो कभी रिपेयर नहीं हुई। अब ये देखिए, और अब जो है हम आगर चट्टी में प्रवेश कर रहे हैं, और अब जो है हम आगर चट्टी पहुंच चुके हैं। यहाँ से फिर से 3 से 4 किलोमीटर ज़्यादा ही है, 5 से 6 किलोमीटर ऊपर जाना है। डेढ़ कम लोग बोले आगे ना, ठीक सो हाँ, ये चौपाल भाई गाड़ी वहाँ पे लगा दें तो गधेरे में। तो अब जो है हम आगर चट्टी में उतर चुके हैं और हमारे साथ, और ये जो है हमारे साथ बकरी, इसकी पूजा होनी है और फिर और यहाँ से हमको इस गेट से होते हुए ऊपर जाना है पहाड़ पे। ये है मल्ली छुनी का रास्ता। तो बस ये रोड की स्थिति देखो तुम क्या ही है। तो यहाँ से हमारी जो है यात्रा अब शुरू होगी और पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगी। चुंगम लिया चुंगम ये जो है हमने अभी गेट से एंट्री ले ली है
दो हमारे साथ के कुछ खाने पीने का प्रबंध करने गए हैं, कुछ पीना कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने गए हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई है, कुछ इस तरीके का रास्ता है, खड़िंजा पत्थर, ये पूरा रास्ता ऐसा ही है। इसको जो है हमने 4 से 5 किलोमीटर इसी रास्ते पर चल के जो है मल्लीशुणी पहुँचना है। और ये आप आगर चट्टी का नज़ारा देख रहे हैं, नदियाँ बिल्कुल उफान पे हैं, और हमारे साथ के साथी दो पता नहीं कहाँ गायब है। हम जो है आराम आराम से चलते हैं ताकि थकान कम लगे हमें। तो ये जो है बकरी आ रही है हमारी, एक भाई बिल्कुल नीचे ही रह गया हमारा, ये देखिए ये रहा एक भाई। अरे आ जल्दी है माथा फोटो मत खींच, ऊपर आ जा भाई। और ये है नज़ारा आपका, ये जगह कैसे नहीं भूली है जी, आगर चट्टी, सॉरी माफ चाहूँगा, ये आगर चट्टी का नज़ारा ये देखिए आप। और अभी जो है इतना हमने सफ़र कर लिया है, अभी जो है बिल्कुल टॉप जाना है हमने, ये देखो बकरी, और बकरी का मालिक पीछे रह गया है। अरे भाई बिना हुए नहीं होने मिले। अच्छा सुनो देखो, देखो रवि को ढूंढ रहा है, आ रवि। और अब लगातार चढ़ाई जारी है, कहाँ गया, ये रहा तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, और एक में चौथा। करीबन 25% रास्ता हमने कवर कर लिया है, और अंधेरा भी होने को आया है। ये हमारे साथ के एक ये रहा, एक पीछे है। अब जो है मुश्किल से ही ब्लॉग बन पाएगा, क्योंकि अंधेरा हो गया है। तो अब आपको सीधा मल्लीशुणी में ही मिलेंगे, बाकी फिर जो पूजा वाले ब्लॉग होगा, जो करीबन मेरे को लग रहा है 6-7 ब्लॉग तो होंगे उसके भाग, तो उसमें आपको मल्लीशुणी के दर्शन कराऊंगा पूरे तरीके से, कितना प्यारा गांव है, कैसा है। तो बस यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।